नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड हेलो। रिया और श्रेया दो पक्के दोस्त, कॉलेज में साथ साथ जाना, कैंटीन में टाइम पास करना, फिल्में देखना, यहाँ तक कि कौन सा लड़का किसका बॉयफ्रेंड बनेगा वो भी डिसाइड करना। इन्हीं की कहानी है हमारा आज का एपिसोड, जिसका शीर्षक है कैसा ये प्यार है। फिलहाल ये दोनों कैंटीन में वक्त गुजार रहे हैं और अपनी अपनी परेशानियां बांट रहे हैं। पर तुझे क्या प्रॉब्लम है यार, तू तो स्कॉलर है, हमेशा टॉप आती है, ऑन कैंपस तेरा सिलेक्शन होगा ये तो पक्का है। बट लुक एट मी श्रेया, अगर इस बार भी मेरी केटी आई ना, तब तो मेरी शादी पक्का किसी सो कॉल्ड एनआरआई इंजीनियर से। कम ऑन रिया, कैसी बातें कर रही है तू? जस्ट लुक एट यू, द ब्यूटी क्वीन ऑफ द कॉलेज। हर लड़का मरने को तैयार है तेरे साथ एक डेट पर जाने के लिए, और तो और पापा से डॉलर्स में जेब खर्च आता है तुझे यूएस से, और क्या चाहिए तुझे। हाँ, थोड़ी पढ़ाई में कमजोर है, बट इट्स ओके। और अगर केटी आता भी है तो भी क्या टेंशन है, तेरे चाचा चाची से कहना कि लड़का मैं सेलेक्ट करूंगी तेरे लिए। हाँ हाँ हाँ, राइट। यू नो व्हाट, यू आर अ पक्की बिच बेबी, बट आई लव दिस कुत्ती सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग माय फ्रेंड यार। पता नहीं कैसे 3 साल निकालती तेरे बिना इस कॉलेज में। यू आर ऑलवेज वेलकम एंड द फीलिंग इज टोटली म्यूचुअल। वैसे भी तो जानती है ना, लड़के कैसे भागते हैं मुझ जैसी चश्मिश पढ़ाकू लड़कियों से, लाइक वी आर एलियंस। बट ऑन अ सीरियस नोट, अच्छे से पढ़ाई नहीं करूँगी तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी रे। एंड यू नो ना, हमारा घर कितनी मुश्किल से चलता है, पापा की सैलरी से हार्डली महीने का खर्च निकल पाता है यार। छोटे बच्चों की ट्यूशंस लेती हूँ तब जाके कहीं हिसाब बैठता है। अरे तू टेंशन मत ले, पापा से कह दूंगी और तेरी नौकरी यूएस में पक्की, फिर वहीं किसी से शादी करके सेटल हो जाना। हाँ हाँ, बस बस हो गया तेरा, पहले तू तो मिल ले अपने पापा से। इनफैक्ट जब से हमारी दोस्ती हुई है, आई हैव नेवर सीन योर फादर, आई मीन चाचा चाची से मिली हूँ बट नॉट योर डैड। हाँ यार, इट्स बीन सो लॉन्ग, इवन आई हैवंट सीन माय डैड। कब से बोल रही हूँ आ जाओ जस्ट फॉर फ्यू डेज, बट नहीं, उनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। सिर्फ डॉलर्स भेजने से रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती, मॉम तो बहुत पहले ही छोड़कर चली गई थी। पर अंकल ने अच्छा किया ना तुझे उनके छोटे भाई के पास छोड़ के, तेरी चाची ने एक माँ की कमी पूरी कर दी, बहुत प्यार से पाला है तुझे। तू तु सच में लकी है यार, यू हैव एवरीथिंग। यस आई डू, कॉज आई हैव यू। वाह, पापा का कॉल। हेलो पापा, कब आओगे यार? आई मिस यू सो मच पापा। हाँ ओके, रियली सच में? वाओ ग्रेट, आई एम वेटिंग, कम सून पापा, लव यू। अरे वाह, पापा की बात की और पापा का फोन। यस, ही इज कमिंग, वूहू, ही इज कमिंग परसों। वाओ दैट्स ग्रेट यार, सी आई टोल्ड यू, यू आर लकी। ये लीजिए, एक प्लेट समोसा, एक प्लेट इडली और दो चाय। थैंक्स भैया। भैया बोल देती है यार, भैया छोड़ना हूँ मैं। अच्छा रिया, ऑन अ सीरियस नोट, तू पढ़ाई पे और थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर यार, करियर पे फोकस करना है तुझे या नहीं? तू यूएस जाना चाहती है ना फॉर फर्दर स्टडीज, तो वो कैसे होगा अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो, बता। अरे वो तो मैंने इंडिया से निकलने के लिए बोला था पापा को, वहाँ जाकर पढ़ने कौन वाला है, मैं तो वहाँ जाकर घूमना चाहती हूँ, जस्ट लाइक अ फ्री बर्ड यू नो। पागल, तुझसे तो बात करना ही इम्पॉसिबल है, कोई नहीं समझ सकता तुझे। पर मुझे पढ़ना है मैडम, देखिए मैसेज आया आज डिपार्टमेंट से, मंडे को सरप्राइज टेस्ट है ऑन वर्ल्ड इकोनॉमिक्स एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। ओ शिट, मैं तो पक्की फेल होने वाली हूँ इस बार भी, डैम। ए श्रेया, एक काम करना प्लीज, तू कल शाम को मेरे घर पे ओवरनाइट स्टे के लिए क्यों नहीं आ जाती, साथ में पढ़ाई करेंगे और चुप चुप के सिगरेट भी पियेंगे, चलना। अरे ना बाबा ना, नो वेज, माँ बाबा अलाउ ही नहीं करेंगे, तू जानती है ना यार हम लोग कितने कंजर्वेटिव है, कॉलेज भेज दिया वही काफी है मेरे लिए। प्लीज ना यार, प्लीज, मैं बात कर लूंगी अंकल आंटी से, प्लीज ना, चल। अच्छा अच्छा ठीक है,
पर अगर फिर भी नहीं हुआ ना तो मुझे फोर्स मत करना, हाँ ठीक है? ओके ओके चलेगा, पर तू ट्राई तो करने दे। ओके फाइन, अभी तू चल क्लास में, इंटरनेशनल लॉ की क्लास मुझे नहीं मिस करनी। और हाँ, तू भी चल रही है मेरे साथ। ओहो बोरिंग लॉ क्लास, ओके ओके। कैंटीन चाचा, मेरा हिसाब लिख लेना आज का। रिया तू हर रोज के पैसे क्यों नहीं देती? अरे छोड़ ना, अरे कैसे चलता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये तो रोज का है, रोज समोसा खाएगी, रोज पैसे देगी। लेकिन फिर चल ना, बाद में देंगे। कहाँ कहाँ इनके पैसे, कहाँ पैसे? जी कौन चाहिए? मैं श्रेया, रिया की दोस्त। उसने ना आज शाम को बुलाया था मुझे। बोला था रिया बेबी ने आप आ रही हैं। आप बैठिए, मैं बेबी को बुला के लाती हूँ। रिया बेबी, रिया बेबी। वाओ, ये घर है कि महल? मेरी बात मानने के लिए। वो इसलिए क्योंकि बाबा ने अलाउ किया, वरना नहीं आ पाती। अब चल ना, यही बैठी रहेगी क्या? कहाँ? मिलना नहीं है क्या? अरे किससे? अरे पापा आ गए हैं। Have told him everything about us. बस अब मिलाना बाकी है। चल ना। I mean अभी क्यों? थोड़ा रेस्ट कर लेने दे उनको। मैं बाद में मिल लूंगी ना। नो नो नो, वो रेस्ट करने वालों में से नहीं है। वैसे तो ही वॉन्टेड टू बी होम आज रात, बट जब से मैंने कहा कि तू आ रही है और हम पढ़ने वाले हैं, सो ही मेड हिज ओन प्लान्स। चिट्टी अंकल के घर जा रहे हैं वो फॉर द बॉयज इवनिंग, यू नो। तो जाने दे ना। देख ऐसे अच्छा नहीं लगता, तेरे पापा है यार, क्या सोचेंगे मुंह उठा के आगे मिलने के लिए। अरे चल यार, ही इज द कूलेस्ट डैड एंड द मोस्ट हैंडसम मैन इन दिस वर्ल्ड। अरे रुक तो। अरे चल ना, टीपी मत कर, बस हेलो बोल देना। अब चल। पापा, पापा, पापा। यो, वन मिनट डार्लिंग, एक मिनट। ओह हाय पापा, शी इज श्रेया, राइट? हाय श्रेया, अविनाश चौधरी, रिया स्टैट। फक, तो ये थे मिस्टर अविनाश चौधरी, जिन्हें देखकर श्रेया दीवानी सी हो गई। उसकी नजरों के सामने वो इंसान खड़ा था जिसका उसने अपने ख्यालों में तसव्वुर किया था। पर ये तो रिया के पापा हैं। कैसा हो सकता है? कैसा होना चाहिए? और अगर हुआ तो क्या होगा? श्रेया का क्या होगा? रिया को पता चला तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? और क्या ऐसा रिश्ता अंसियत में कबूल होगा? तो सुनना ना भूलें कैसा ये प्यार है की दूसरी कड़ी ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल समा। तब तक मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए समा।